हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ विकास कुमार रॉय और आप देख रहे हैं विकास रॉय आर्ट। आज मैं आपके लिए एक न्यू वीडियो लेके आया हूँ जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप ड्राइंग स्टार्ट कैसे कर सकते हैं। आपको ड्राइंग स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले क्या करना चाहिए, आज हम स्टेप बाय स्टेप इस बारे में बात करेंगे। तो आप में से बहुत लोगों को ये पता होगा कि ड्राइंग बनाने के लिए जो बेसिक है वो है लाइन्स, जिसे हम हिंदी में रेखाएँ कहते हैं। तो ड्राइंग बनाने के लिए लाइन्स का बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आज की इस वीडियो में हम यही सीखेंगे कि आपको लाइंस कैसे लगाना है, फ्री हैंडली आपको ड्राइंग के लिए लाइन किस तरीके से लगाना है। सबसे पहले आपको लाइंस की प्रैक्टिस करना है, देन उसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो आपके पास लेके आऊँगा जिसमें मैं बताऊँगा कि आपको लाइन्स के बाद अब किस चीज़ की प्रैक्टिस करना है। इससे आप अपने ड्राइंग में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। अगर आप एक अच्छा आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, एक अच्छा स्केच मेकर बनना चाहते हैं, तो सबसे बेस्ट आपके लिए यही होगा कि आप अपने स्किल्स को डेवलप करें। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप अपने स्किल्स को जितना डेवलप करेंगे उतना ही आप एक अच्छा आर्टिस्ट बन सकते हैं। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आपको लाइंस की प्रैक्टिस किस तरीके से करना है और कौन से पेपर यूज़ करना है आपने, क्योंकि आपको पता है आर्ट मटेरियल काफ़ी कॉस्टली होता है, तो हम इसके लिए जो महंगे शीट्स हैं उसका यूज़ नहीं कर सकते। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप कौन से पेपर यूज़ कर सकते हैं ड्राइंग की प्रैक्टिस के लिए, लाइंस की प्रैक्टिस के लिए। देन इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि अब इसके बाद आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो चलिए करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, आपको प्रैक्टिस किस तरीके से करना है लाइंस की प्रैक्टिस करने के लिए, तो आपको लाइंस की प्रैक्टिस कुछ इस तरीके से करना है। पहले ऊपर से नीचे की ओर करना है अपने लाइन की प्रैक्टिस, फिर नीचे से ऊपर की ओर। तो आपको इस तरीके से लाइंस की प्रैक्टिस करनी है। देख सकते हैं आप मेरे लाइन कितने, ओके। देन उसके बाद आपको पेपर को इधर उधर नहीं मोड़ना है आपने, ना ही आपने पेपर का डायरेक्शन चेंज बिल्कुल भी नहीं करना है। उसके बाद आपको ऊपर से नीचे की ओर लाइन करना है। तो देख सकते हैं लाइन आपको कुछ इस तरीके से करना है, और आपको बच्चों की जैसे ऐसे लाइन ड्रॉ कभी नहीं करना है, जैसे कि करते हैं कुछ आर्टिस्ट ऐसे, पहले लाइटली ड्रॉ करेंगे, उसके बाद फिर उसके ऊपर ऐसे फेड़ेंगे लाइन के लिए। तो ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, आपको हमेशा लाइन डायरेक्टली लगाना है। ऐसे सीखना है अपने लाइन लगाने के लिए, क्योंकि ये बच्चों वाला काम आपने अब बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि बहुत लोग होते हैं ऐसे, पहले लाइन लगाने के लिए वो हल्के हल्के आउट लाइन लगाएंगे, देन उसके बाद वो फेयर करेंगे। तो आपने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, आपने एक्यूरेट करना है, फिर ऐसे नीचे से ऊपर की ओर करना है, ओके। तो आपने ऐसे लाइंस प्रैक्टिस करते रहना है, इससे आप जो आपका ड्राइंग है उसमें काफ़ी इम्प्रूव होगा। देन उसके बाद आपने सर्कल की प्रैक्टिस करना है। आपको सर्कल की प्रैक्टिस सेम ऐसे नहीं करना है, क्योंकि बहुत होते हैं जो ऐसे आपको सर्कल की प्रैक्टिस करेंगे, नहीं आपको ऐसे लेना है लाइन, ऐसे आपने डायरेक्टली बनाना है। मैं आपको यही कहूँगा कि आप इसे बनाते वक्त या इस वर्क को करते वक्त इरेजर का यूज़ बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये आप जस्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप अपने स्किल को डेवलप कर रहे हैं। अगर आपने अपने स्किल को डेवलप करना है तो ये आपके लिए बेस्ट मेथड है, जिसका यूज़ करके आप अपने स्किल को काफ़ी इम्प्रूव कर सकते हैं। देन उसके बाद अंदर से बाहर की ओर आना है आपने, पहले ऐसे, देन उसके बाद आपने अंदर से बाहर की ओर आना है, ओके। तो आप देख सकते हैं आपको इस तरीके से ड्रॉ करना है, ना कि आपको ऐसे डॉट डॉट करके ड्रॉ करना है, ओके। तो फ्रेंड्स, आज मैंने आपको बताया कि आप लाइंस की प्रैक्टिस किस तरीके से कर सकते हैं। आपको मैंने इसमें बताया कि आपको लाइंस की प्रैक्टिस कैसे करना है, पहले नीचे से ऊपर की ओर, फिर ऊपर से नीचे की ओर, फिर लाइंस,
फिर उसके बाद सर्कल की प्रैक्टिस करना है आपने, और कभी भी आपने लाइंस की प्रैक्टिस डॉट डॉट से नहीं करना है, क्योंकि जो बिगनर होते हैं वो ज़्यादातर यही गलती करते हैं, क्योंकि वो हमेशा डॉट डॉट से स्टार्ट करते हैं। मैं आपको एक सजेशन देना चाहता हूँ कि अगर आप लाइंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप उसमें इरेजर का बिल्कुल भी यूज़ ना करें, क्योंकि ये आप अपने स्किल को इम्प्रूव करने के लिए कर रहे हैं। इसमें आपसे अगर गलती भी हो जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगा कि अगर आप लाइंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप पेंसिल का यूज़ ना करके पेन का यूज़ कर लें, क्योंकि उसमें आपको पता है उसमें आप मिटा सकते नहीं हैं, गलत हुआ तो हुआ, क्योंकि आपने इसमें करना नहीं ना, मतलब आपने हमेशा वही करना है। इससे आपके देखना, आप इससे जब आप ये मेथड का यूज़ करोगे, आप बेसिक से आगे की ओर जाओगे, तो आपको बहुत ज़्यादा अपने आप में इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ। अगर आपको आज का ये वीडियो मेरा पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि समय समय पर मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। फिर मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।